माय यूट्यूब चैनल, तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला जो केक है हम हाफ के जी का बनाएंगे, साथ में बहुत ही अच्छा सिंपल से डेकोरेशन है। जैसा मुझे क्लाइंट ने कहा है एकदम सेम डेकोरेशन हम वैसे ही करेंगे। मेरे पास जो स्टिकर्स थे, आज वाली जो थीम है वो स्टिकर बेस है, तो जो मेरे पास स्टिकर्स थे वो भी सेम ही मेरे पास अवेलेबल थे। सिर्फ उसमें एक दो चेंजेस थे स्टिकर्स में, बाकी सब कुछ सेम था। तो हमने सारी चीज़ें जो थी कवर क्लाइंट से कर ली थी, और इस वाले केक का हमें अर्जेंट ऑर्डर था और सिंपल केक डेकोरेशन थी, तो इसलिए मैंने मना नहीं किया है। बाकी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जैसे हम ठंडा करके डीमोल्ड करते हैं वैसे ही करेंगे। केक टिन और कितना प्रीमिक्स लिया है सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में केक टिन और प्रीमिक्स जो भी मैं बताती हूँ मेजरमेंट, वो जो मुझे केक का ऑर्डर मिला होता है मैं उसके हिसाब से जो चीज़ें लेती हूँ वो आप सबके साथ शेयर करती हूँ। आप सेम डिज़ाइन को रिक्रिएट कर सकते हो अपने, जो भी हाइट आप बना रहे हो केक की उसमें केक बोर्ड भी अपने हिसाब से ले सकते हो, तो सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे केक की एकदम अच्छे से हम कटिंग करेंगे, तो 4 लेयर्स में कटिंग करेंगे, 3 लेयर्स में एकदम अच्छी से हम कटिंग कर लेंगे। बहुत अच्छे से केक ब्रेड की अच्छे से हम स्लाइसेस कट करेंगे। ऊपर की जो ये सरफेस है उसे थोड़ा सा हम पतला ही ट्रिम करेंगे, ज़्यादा नहीं, ताकि 4 स्लाइसेस में भी ये कट हो जाए उसके हिसाब से। तो एकदम केक हमारा अच्छे से ठंडा हो गया था, उसके बाद ही हमने यहाँ पर सारी चीज़ें की थी, और केक बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं था। तो यहाँ पे जो है अच्छे से कटिंग हमने कर ली, और बोर्ड को अच्छे से साफ़ करेंगे, और यहाँ पे जो डेकोरेशन स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने केक बोर्ड ले लिया है स्क्वायर, तो थोड़ी सी क्रीम जैसे हम लगाते हैं केक बोर्ड पे वैसे ही फिलिंग के लिए यहाँ पे मैंने येलो कलर की क्रीम बना ली है। साथ में थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जो है ना रसमलाई एसेंस यूज़ किया है, और साथ में आज हम रसमलाई क्रश यूज़ करेंगे। रसमलाई की जो मिठाई है वो हम यूज़ नहीं करेंगे, अगर हम मिठाई यूज़ करेंगे तो हम सोकिंग ज़रूर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सोकिंग नहीं की है, क्योंकि हमें जो है फ्लेवर को बिल्कुल सिंपल रखना है, जैसा क्लाइंट ने कहा है वैसा ही। तो यहाँ पे क्रीम जैसे हम लगाते हैं वैसे, और इसमें मैंने येलो कलर, फूड येलो कलर, और साथ में थोड़ा सा मलाई एसेंस डाल दिया है, यानी कि रसमलाई एसेंस। और अगर आपके पास रसमलाई एसेंस नहीं है तो आप मावा एसेंस भी डाल सकते हो, उसका भी टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और उसकी फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पर जो है ना एकदम अच्छे से हम जैसे हम स्प्रेड करते क्रीम को वैसे ही करेंगे, और साइड वाली एजेस में भी जितनी एक्स्ट्रा क्रीम है उसे भी एकदम अच्छे से हम इस तरीके से कर लेंगे। और साथ में जो मेरे पास क्रश है, माला कंपनी का नहीं है लेकिन दूसरा है बेकर्स विला का, ये हम यूज़ करेंगे। और इसे मैंने काफ़ी टाइम से फ्रिज में रखा और बहुत ज़्यादा थिक हो गया, जितना पहले ये लिक्विड था ना अब ये बहुत ज़्यादा थिक हो गया, तो इसका यूज़ मैं बहुत कम करती हूँ। ऑन डिमांड अगर आए तभी मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं क्लाइंट को बता देती हूँ कि थोड़ा सा मीठा ये रहेगा, लेकिन क्लाइंट अगर सेटिस्फाइड है तभी मैं यूज़ करूँगी, प्रोडक्ट नहीं तो नहीं। तो इसलिए क्वांटिटी इसकी मैं फिर भी थोड़ी रखूँगी क्लाइंट के हिसाब से, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो गया था, और थिक होने के बाद इसका जो टेस्ट है ना वो भी थोड़ा चेंज हो गया था। जब ये लिक्विड था ना तो इसका टेस्ट मुझे कुछ उतना नहीं अच्छा लगा था, लेकिन अभी ये जब थिक हो गया ना तो पहले से अगर मैं कहूँ कि थोड़ा सा बेटर टेस्ट इसका मुझे लगा, क्योंकि मैं ज़्यादा मीठा नहीं खाती हूँ, शायद मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप सबके साथ बता रही हूँ ये सारी चीज़ें, बट जैसा मुझे क्लाइंट ने कहा है मैं वैसा ही करूँगी, तो सारी चीज़ें उनके हिसाब से। तो वन बाई वन जैसे हम लेयरिंग करते हैं वैसे हम यहाँ पे लेयरिंग करेंगे। और साथ में जो ये क्रीम की मैं जो आइसिंग कर रही हूँ ना आज, ये जो मुझे कल का जो केक मिला था ना, ये जो आपने कल वाला ऑर्डर देखा था ना मेरे केक का, जो मैंने फ्लोरल प्रिंट पे बनाया था, उसमें जो क्रीम बची थी उसमें काफ़ी अच्छी क्रीम बच गई थी। तो मेरा वैसे भी ऑर्डर्स थे ही बैक टू बैक, बट ये ऑर्डर मुझे अर्जेंट आ गया था तो इसलिए मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। और वो जो क्रीम थी ना उस, वो काफ़ी क्रीम मेरे पास बची हुई थी क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा ही व्हिप्ड करके रखी हुई थी, तो वो वाली क्रीम जो है आज वाले केक में मैंने यूज़ कर लेनी थी। तो जो मुझे ऑर्डर आए थे वो ऑर्डर तो मुझे बनाने थे सेम डे पे, लेकिन ये वाला उन्हें थोड़ा पहले चाहिए था और अर्जेंट था, तो वो जो क्रीम मेरे पास मैंने सेव करके रखी हुई थी उस क्रीम को मैंने इसी में यूज़ कर लिया पहले, और जो बाकी के लेट ऑर्डर्स थे फिर से मैं व्हिप्ड करके उनके लिए वो वाली क्रीम जो है वो यूज़ कर लूँगी। तो मैं किस तरीके से मैंने वो क्रीम रखी है वो भी आपको दिखाऊँगी। उसमें से ही कुछ पार्ट मैंने यहाँ पर येलो क्रीम का बना लिया था निकाल के, और क्रीम इतने अच्छे से मतलब एकदम सेट थी कि मुझे दोबारा व्हिप्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि एक तो वेदर काफ़ी अच्छा था, बहुत ठंडा वेदर था, ऊपर से मैंने फ्रिज को बिल्कुल भी बंद नहीं किया था, फ्रिज में भी चिलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी वेदर की वजह से, और सबसे बड़ी बात कि एयर टाइट कंटेनर में हमने रखा था, उसकी वजह से जो है और अच्छे से क्रीम हमारी चिल्ड रही। तो एकदम अच्छे से हम पूरी लेयरिंग करेंगे, और ये वाली थोड़ी क्रीम अगर बच जाएगी येलो वाली तो इसे भी हम साइड में रख देंगे फिर से एयर टाइट कंटेनर में, और जितनी भी क्रीम रहती है मेरी जो बच भी जाती है वो मेरी 2-3 दिन में यूज़ हो जाती है।
अगर उससे ज़्यादा दिन हो जाते हैं और क्रीम अगर ना यूज़ हो, ऑर्डर ना आए, तो फिर मैं जो क्या करती हूँ ना, क्रीम को फेंक देती हूँ, क्योंकि उसका मैं यूज़ नहीं करती हूँ। लेकिन मैं इतनी क्वांटिटी में क्रीम को कभी बचा के नहीं रखती हूँ। जब भी कभी मेरे पास क्रीम बचती है तो बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बचती है, जो अगर हम यूज़ नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई लॉस नहीं होगा हमें। तो ये देखिए, इस तरीके से क्रीम को मैंने एकदम सेफ करके रखा था, और बहुत अच्छे से ये क्रीम थी, मुझे कुछ भी ना व्हिप्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस तरीके से मैं एयर टाइट कंटेनर में ना, ये देखिए पूरा प्लास्टिक वाला हमारे पास कंटेनर, उसी में पैक करके रख देती हूँ। और भी ऐसे मेरे पास कंटेनर है प्लास्टिक के डिस्पोजल्स वाले, जिनमें मैं इस तरीके से ही क्रीम रखती हूँ। छोटे कंटेनर्स भी हैं, बड़े कंटेनर्स भी हैं, तो इस तरीके से ही आपको क्रीम को रखना है। तो जैसे हम व्हाइट क्रीम के साथ एकदम अच्छे से क्रीम की आइसिंग करेंगे केक को, और साइड में यहाँ पे आज डिज़ाइंस भी कुछ अलग बनने वाला है। सबसे पहले हमने टॉप सरफेस पे जैसे क्रीम लगानी है वैसे ही लगाएंगे। आप चाहो तो पाइपिंग बैग के साथ भी कर सकते हो, जैसे आप कंफर्टेबल हो आप उसके हिसाब से कर सकते हो। बाकी जो जो डाउट्स हैं आपके, ज़रूर पूछा कीजिए कमेंट सेक्शन बॉक्स में। जितनी कोशिश होगी मैं रिप्लाई देने की भी कोशिश करूँगी। और आप सबका दिल से शुक्रिया कि आप सब इतना टाइम निकाल के मेरी वीडियोज़ को देखते हो एंड अप्रिशिएट करते हो, काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और हर दिन सोचती हूँ कि ऐसे ही आप सबके साथ नए नए केक के ऑर्डर्स जो है वो शेयर करती जाऊँ, ऑर्डर्स आते भी जाएँ, एक्सपीरियंस भी शेयर करती जाऊँ, और मुझ में भी कॉन्फिडेंस आए। क्योंकि डे वन से जब से मैंने स्टार्टअप किया था तब से लेके अभी तक काफ़ी कॉन्फिडेंस मेरे में आया है, तो बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आया। तो कोशिश करूँ कि और जो बहुत सारी चीज़ें मैंने सोची है ना, वो भी मैं कर पाऊँ होपफुली। जिनका अभी भी कोई टाइम शेड्यूल नहीं बन पा रहा है बहुत सारी प्रॉब्लम्स के चलते, लेकिन होपफुली मैं कोशिश करूँ कि जो अपकमिंग जितने भी वीडियोज़ आएँ सब में कुछ ना कुछ और अच्छा हो। तो यहाँ पे केक कॉम हमने ले लिए स्टील वाली, आप चाहो तो प्लास्टिक वाली भी ले सकते हो, जिसके साथ हमें इस तरीके से साइड्स के यहाँ पे ये कॉम वाले डिज़ाइन बनाने हैं। और टॉप जो सरफेस है उसे भी एकदम अच्छे से हम क्लीन करेंगे, कोई भी स्विल्स के डिज़ाइन नहीं बनाएंगे। और ये केक जो था ना बहुत क्यूट बना था, मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा केक का डिज़ाइन। मतलब सिंपल केक था, जल्दी तो बनने वाला था, लेकिन मेन टाइम आपको जो लगता है केक की बेकिंग में और उसे ठंडा करने में, वही ज़्यादा टाइम लगता है। बाकी केक की आइसिंग करने में उतना टाइम नहीं लगता है और डेकोरेशन करने में नहीं, अगर स्टिकर बेस केक है और स्टिकर्स आपके पास अवेलेबल है तो। तो इस तरीके से पूरा जो है हम केक टॉप को अच्छे से क्लीन करेंगे, और पूरा वाइट बेस है, कोई भी और कलर नहीं है। बर्थडे बॉय जो था उसका एज 2 थी, 2 साल का बेटा था जो मेरे क्लाइंट थे उनका। तो इस तरीके से पूरे केक की हमने एकदम आइसिंग करके इसे फिनिश कर दिया है। केक बोर्ड को अच्छे से साफ़ कर लेंगे हम, और थोड़ी देर के लिए इसे 5-10 मिनट फ्रिज में रख देंगे। तो 5-10 मिनट के बाद यहाँ पे केक बोर्ड तो हमने साफ़ कर ही लिया था पहले ही। यहाँ पे ये मैंने नोज़ल ले ली है, तो ये लीफ नोज़ल जो है इस तरीके की, इसे हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। और इसकी वाली जो ये नोज़ल है ना, ये मैं आपको दिखा दूँगी कौन सी नोज़ल है बाद में। तो इस तरीके से हम पूरे लीव्स के यहाँ पे डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ पे मैंने जो ग्रीन कलर है उसे थोड़ा डार्क शेड का रखा है, आप डार्क लाइट जैसा आपको सही लगे, अगर आप अपने हिसाब से बना रहे हो तो आप कर सकते हो, लेकिन जो पिक्चर में था मुझे उसके हिसाब से करना था। तो यहाँ पर हम डार्क शेड का जो कलर है वो यूज़ करें, ग्रीन कलर, लीव ग्रीन कलर है हमारे पास। तो इस तरीके से हम पूरे डिज़ाइन बनाएंगे केक के बॉर्डर्स पे, और ज़्यादा हमें कुछ भी क्रीम डेकोरेशन नहीं करनी है। तो यहाँ पे पूरे बॉर्डर से हमने डिज़ाइन बना लिए, और जो स्टिकर्स हैं मेरे पास उनके साथ यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 का जो ये लोगो है इस तरीके से लगा दिया, 2 नंबर का। ये केक में भी सेम था, और जो क्लाइंट ने मुझे केक दिखाया था वो भी सेम सेकेंड ईयर, यानी कि मतलब सेकेंड बॉय का ही बर्थडे केक था जो उन्होंने मुझे रेफरेंस पिक्चर दिखाई थी। तो यहाँ पे 2 नंबर का भी इस तरीके से हमने लगा दिया, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और केक की लुक बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी। तो इस तरीके से इसे हम एकदम अच्छे से फिक्स कर लेंगे। ये स्टिक में था, स्टिक को मैंने तोड़ दिया और अच्छे से इसे मैंने ना इक्वल कर दिया, ताकि कुछ भी ख़राब ना लगे स्टिक से। तो इस तरीके से इसे फिक्स करने के बाद ये मेरे पास कुछ स्टिकर्स हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के स्टिकर्स हैं। ये मैंने बहुत पहले ही बाय किए थे, लेकिन ये मुझे कभी लगाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि ऐसा जंगल थीम का कभी मुझे ऑर्डर नहीं आया था। जो भी आए थे वो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के आए थे, पर ये वाला मुझे बहुत टाइम के बाद मिला है, और काफ़ी अच्छा लगा ये स्टिकर्स भी मुझे यूज़ करने के बाद। और ये मैंने सिंगल पीस ही मंगवाया था, तो इसका फिर से जो एक है ना, मैं जब जाऊंगी शॉप में तो फिर से इसके एक और ऑर्डर करूंगी मैं। तो यहाँ पे कुछ जो एनिमल्स है इसमें अवेलेबल थे वो सारे मैं यहाँ पे 1 by 1 लगाऊंगी, लेकिन काफ़ी अच्छे से देख के लगाएंगे। जैसे मैंने कहा कि जो क्लाइंट ने हमें पिक्चर दी है सेम केक है, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस है, तो थोड़े बहुत चेंजेस होने की वजह से हमें जो भी डेकोरेशन अपने हिसाब से करनी है, अच्छी सिंपल लुकिंग करनी है, ताकि सेम टू सेम केक भी हो और दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगे। और केक बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1/2 kg का हमारा केक है, तो हमें
स्पेस भी देखनी पड़ती है कि कितनी स्पेस है, किसके हिसाब से हमें सारी डेकोरेशन करनी है, ताकि हमारा काम नीट एंड क्लीन भी हो और सबको पसंद भी आए। तो इस तरीके से ना ये लीव बने और इन पे ना ये एक वायर सी लगी हुई है पतली सी, तो इसे हम इस तरीके से लगा देंगे ऊपर साइड से, ये देखें तो ये काफ़ी अच्छे से फिक्स भी होगी और ये निकलेगी भी नहीं क्योंकि क्रीम में एकदम अच्छे से ना ये बैठ गई है। तो इस तरीके से कुछ कुछ जो लीव्स है वो हम लगाएंगे पहले, तो कुछ एनिमल्स और है पहले उन्हें अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो लीव डेकोरेशन हमारी रह जाएगी उन्हें लगा देंगे इस तरीके से। और यहाँ पे ये केक के हिसाब से जो ये स्टिकर्स मेरे पास अवेलेबल थे ना एकदम साइज़ के थे, परफेक्ट थे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, बहुत अच्छे थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि केक का साइज़ भी मुझे परफेक्ट मिला है और साथ में मेरे पास ये स्टिकर्स भी अवेलेबल हैं। और भी मेरे पास स्टिकर्स थे लेकिन वो बड़े साइज़ के थे, लेकिन वो अलग अलग एनिमल्स के थे, लेकिन ये पूरे सेट में था तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और पूरे सेट में था ना तो ये क्या था ना, पूरे सेम साइजेस का था, जैसे साथ में हैप्पी बर्थडे का ये लोगो आप देख रहे हो, ये लीव्स है, सारी चीज़ें ना ये पूरे पैकेट में थी, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, साइज़ बहुत परफेक्ट था। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने सारे जो भी एनिमल्स हैं और लीव्स जो है वो सारी लगा दिए। साथ में यहाँ पे थोड़े से हम ये लीव्स के डिज़ाइन ऊपर बनाएंगे क्योंकि पिक्चर में भी थे। और मेरे पास ना जेली कैंडीज थी, यहाँ पे ना छोटे छोटे फोंडेंट के स्टोन्स बने हुए थे, पत्थर लगाए हुए थे, तो उसकी जगह पे हम क्या करेंगे ना इसे और एडिबल बनाने के लिए, ताकि हमें फोंडेंट भी उस तरीके से करना पड़े। तो यहाँ पे इसलिए मैंने ये जो जेली कैंडीज़ आती है मैंने ये वाली यूज़ की, आपको मॉल में आराम से मिल जाएगी, किसी भी कैंडी दुकान में भी आराम से ऐसी कैंडीज़ आपको मिल जाती है, जेल वाली अलग अलग कलर्स में मिल जाती है जो दिखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो इस तरीके से मैंने अलग अलग कलर की लेके इसे इस तरीके से लगा दिया ताकि इसकी लुक जो है सेम वैसी आए और केक एकदम बहुत सारा अच्छा बन जाए एकदम दिखने में। थोड़ा सा हम यहाँ पे सैंड का लुक देंगे, तो मेरे पास यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं केक टिन पड़ा हुआ था, ये भी ऑर्डर था, तो मैंने क्या किया ना, अर्जेंट ऑर्डर था ये, तो मुझे मैं भूल गई थी थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है ना इसके ब्रेड क्रम्स रखने के लिए, तो मैंने इस केक के टॉप से ना थोड़ा सा जो केक है वो स्पॉन्ज वो ले लिया और थोड़ा सा इस तरीके से केक जो सैंड है ना उसका लुक दे दिया यहाँ पे। तो केक के साथ ही यहाँ पे हमें जो सैंड है उसके लुक देना था, तो थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ पे लगा दिया और ये ऑलमोस्ट केक हमारा बन के रेडी था। साथ में ये जो केक था सेल्फ पिकअप केक था, तो मैंने कोई भी डिलीवरी चार्जेस नहीं लिए, अर्जेंट ऑर्डर था। केक का क्या प्राइस है वो मैं आगे आपको ओवरऑल लुक के साथ सारी चीज़ें बता देती हूँ कि कितना लिया। तो ये देखें ये पूरी ओवरऑल लुक है इस केक की, केक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रिटी लगा केक, सिंपल लुकिंग केक था। और जो केक का प्राइस है वो मैंने पूरा 500 लिया था, आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है वैसा चार्ज कर सकते हो। बाकी आई होप कि आज की केक वीडियो आप सबको पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, ऐसे कमेंट्स भी करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।